नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर दोस्त आप नए हैं चैनल पे मेरे, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने काले घने लंबे बालों का राज। साथ में मेरे कुछ टाइम से प्री मेच्योर ग्रे हेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो ना ऑनेस्ट वीडियो होने वाला है, ऑनेस्ट आपको मैं बताऊंगी अपना हेयर केयर रूटीन। तो अभी मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, तो मेरे बालों की कंडीशन कुछ इस तरह की है। और मैं महीने में एक बार तो हिना पैक लगाती हूँ अपने बालों में, तो आज का डे है हिना पैक लगाने का। और हिना पैक जो है वो मेरे ग्रे हेयर को भी प्रिवेंट करते हैं, इसमें एक ऑरेंज कलर का कलर दे देते हैं जिससे मेरे ग्रे हेयर हैं वो दिखते नहीं है। तो यहाँ पर मैं हिना पैक लगाती हूँ। कभी कभी मैं महीने में एक बार लगाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दो महीने निकल जाते हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मैं बहुत दिन बाद हिना पैक लगा रही हूँ। हिना पैक लगाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। इससे आपका सर ठंडा रहता है, हेयर ग्रोथ होती है, हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, साथ में आपके हेयर को एक वॉल्यूम देता है। आप सभी को कोई ना कोई पैक तो महीने में एक बार लगाना ही लगाना चाहिए, हेयर मास्क वगैरह लगाना चाहिए। तो मुझे हिना पैक लगाना बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने हिमालय का हिना पैक लिया है, इसके रिव्यू भी मैंने आपके साथ सेंड किया है, चैनल पे अपलोडेड है तो आप देख सकते हो। साथ में पतंजलि का भी मैं हिना पैक लगाती हूँ। और आप जब भी हिना पैक लगाइए तो मेक श्योर पुराना टी शर्ट पहनिए। अभी तो मैं प्रो हो चुकी हूँ तो इसलिए मैंने यही टी शर्ट पहन रखा है। और मैं हाथों से मेहंदी लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छे से बनता नहीं है ऐसे ग्लव्स वगैरह पहन के। तो आप महीने डेढ़ महीने में हिना पैक लगा सकते हो, या आपको हिना पैक नहीं पसंद है तो एलोवेरा जेल मास्क वगैरह बना सकते हो तो वो भी लगा सकते हो। हिना पैक लगाने के बाद हाथों का कुछ हाल ऐसा हो जाता है। फिलहाल मैं हिना पैक लगाती हूँ तो मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। अभी मेहंदी को सूखने में 1 से 1.5 घंटे थे तो मैंने पकौड़ी और चटनी यहाँ पे खा लिया। अब देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है, पैक मेरा सूख गया था। जब भी आप हिना पैक लगाएं तो उसको ना मात्र 1 से 1.5 घंटे रखें, ज़्यादा ड्राई मत होने दें। ज़्यादा ड्राई होने देंगे तो आपकी स्कैल्प आपके बाल एकदम टाइट हो जाएंगे, इनसे आपका हेयर फॉल होने का काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी हिना पैक लगाइए तो 1 से 1.5 घंटे के लिए लगाइए। यहाँ पर देखिए प्यारा सा कलर आ गया है मेरे बालों में ऑरेंज कलर का, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मार्केट वाले भी हेयर मास्क लगा सकते हो, बट मुझे हिना पैक पसंद है तो मैं वही लगाती। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपनी बालकनी में और नेचुरली तरीके से अपने बालों को सुखाती हूँ, साथ में बालायाम करती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ बालायाम करती हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे आपका हेयर फॉल तो रुकता ही रुकता है, साथ में हेयर ग्रोथ भी बहुत तेजी से होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इसको जब भी फ्री होती हूँ तब करती हूँ। यहाँ पर मस्त हवा चल रही थी तो मैं अपने बालों को सुखा रही थी। अब तो गर्मियाँ हैं तो आपको नेचुरल तरीके से अपने बालों को सुखाना चाहिए, ड्रायर वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बारिश है या ठंडी का मौसम है जिसमें धूप नहीं निकलती है तब आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ऐसे नेचुरली हवा से अपने बालों को सुखाना चाहिए। और जब भी आप अपने बालों को पोंछे तो पुराना जो कॉटन का टी शर्ट होता है ना उससे अपने बालों को पोंछे, मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरे बाल सूख जाते हैं तो मैं एक हेड मसाज लेती हूँ। जब भी आपको हेड मसाज लेना हो तो ऐसे बेड पे अपना हेड को नीचे कर दीजिए, बेड से अपना हेड को नीचे करिए और ऐसे हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करिए। ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा होगा, आपका जितना भी डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह है, आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। आप जब भी सोने जाएं तो बेड से ऐसे सर नीचे कर लें और मसाज ले लें तो आपको नींद भी बहुत ही प्यारी आने वाली है। तो यहाँ पर मेरे बाल सूख गए हैं हिना पैक लगाने पे। और हाँ, एक और बात, मैंने हिना पैक लगाने के बाद शैम्पू से अपना हेयर वॉश नहीं किया, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश किया है। और शैम्पू मैं ऑयलिंग करने की बात करूंगी तो यहाँ पर मैं अपने दो मुहे बालों को काट रही हूँ, साथ में जो पूंछ है निकल आई थी, हर महीने में मैं अपनी ये पूंछ काटती रहती हूँ, उसको ट्रिम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखो हिना पैक लगाने के बाद मेरे बालों का वॉल्यूम देखो भाई साहब, और ये नेचुरली मेरे बाल ऐसे कर्ल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू नहीं किया है, आज के दिन मैं करूँगी अपने बालों में ऑयलिंग। ऑयलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर बालन ये हेयर ऑयल लिया है। बीच में मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मैंने अपने खाने में चेंजेस किया है, डाइट में चेंजेस किया, साथ में एक्सरसाइज की है, ऐसे बालायाम किया है, हेड मसाज ली है, तो इन सब से मेरे हेयर फॉल थोड़ा अभी रुका है। और साथ में ये डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था बालन हेयर ऑयल है, इसको मैं लगाती हूँ। इसको हर हफ्ते मैं लगाती हूँ, सैटरडे को लगा लेती हूँ नाइट में और संडे की मॉर्निंग में धुल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं हेयर ऑयल लगाऊंगी।
लगाऊंगी। जब भी आप हिना पैक लगाएं तो सेम डे पे आपको शैम्पू नहीं करना है, पहले आपको ऑयलिंग करनी है। जिस दिन आप हिना पैक लगाएंगे नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है, तो मैंने सेम वही प्रोसेस किया है। यहाँ पर मैंने हेड मसाजर से एक अच्छी सी मसाज ली। जब भी आप ऑयलिंग करें ऐसे मसाजर खरीद लें, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है। मुझे ये 50 रुपए में मिला था, मोहसा से मैंने लिया था। और मसाज करने के बाद भाई साहब इतना रिलैक्स लगता है, नींद ही आ जाती है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तब हमारा हेयर फॉल नहीं होगा। साथ में डाइट और एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है। इसके साथ मैं अपने बालों की एक अच्छी सी ब्रेड बना लूंगी और मेरी चोटी देखो लंबी काली चोटी। और गाइस देखो ये मेरा हेयर फॉल इतना हुआ है, ये मेरा ऑनेस्ट हेयर फॉल है, मेरे इतने से बाल टूटे हैं। तो अब है ये नेक्स्ट डे, अब मैं करूंगी अपना हेयर वॉश, वो भी शैम्पू के साथ। इससे पहले मैंने हेयर वॉश किया था वो शैम्पू के साथ नहीं था। उससे पहले मैं ऐसे एक्सरसाइज करूंगी और आपको ऐसे अपने पैरों को पीछे से पकड़ लेना और हेड को नीचे करना है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आपकी हेड की जितनी भी प्रॉब्लम होगा उनको प्रिवेंट करेगा। तो ये 3-4 एक्सरसाइज है जो मैं अपने हेड के लिए करती हूँ। अब बारी है शैम्पू के साथ हेयर वॉश करने की। मेक श्योर जब भी आप शैम्पू करें उसको पानी के साथ डाइल्यूट कर लें, डायरेक्टली स्कैल्प पे शैम्पू मत लगाएं क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं जो आपके स्कैल्प के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसी के साथ यहाँ पर मैं एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स करूंगी 2-3 ड्रॉप। इससे आपके बालों में इचनेस नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगा, आपका स्ट्रेस जो भी हो, एल्प्स गुडनेस की बूंदे डालो एसेंशियल ऑयल की, आपका स्ट्रेस वगैरह हेडेक हो रहा है वो सब दूर हो जाता है। तो अभी हम करेंगे हेयर वॉश। जब भी आप हेयर वॉश करें कंडीशनर लगाना उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कियों का नूडल खाना। जी हाँ, आप कंडीशनर लगाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ रहेंगे। मैं कंडीशनर लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, तो हेयर वॉश के बाद लगाएंगे कंडीशनर। मैं जब भी कंडीशनर लगाती हूँ तो उनको अपने बालों की लेंथ पे लगाती हूँ, स्कैल्प पे नहीं, क्योंकि स्कैल्प पे ये कंडीशनर नहीं लगाया जाता है, आपको लेंथ पे लगाना होता है। तो 5 मिनट लगाने के बाद मैं नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर हेयर वॉश कर लिया है, बारी है सीरम लगाने की। तो अब हम अपने बालों में लगाएंगे हेयर सीरम, और ये हेयर सीरम भी आपको लेंथ पे लगानी है, स्कैल्प पे नहीं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लिवॉन का हेयर सीरम, और इसको अपने पाम पे लेना है और अच्छे से अपने बालों की लेंथ पे लगा लेना है। इससे आपके बाल फिजी नहीं रहेंगे, ड्राई नहीं रहेंगे, स्मूथ सिल्की शाइनी दिखेंगे। ये सारे स्टेप मैं अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करती हूँ क्योंकि ये मेरा रियल हेयर केयर रूटीन है, इसको फॉलो करना मुझे बहुत पसंद है। अब सीरम लगाने के बाद अपने बालों को नेचुरली फैन के नीचे सुखाएंगे, और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। ये सारे स्टेप करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे बाल काफ़ी हेल्दी लगने लगते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और यहाँ पर देखो मेरे बाल सूख गए हैं। जब भी आप कंघी करें तो आपको नीचे से स्टार्ट करनी चाहिए, कंघी कॉम करना आप नीचे से स्टार्ट करें और फिर ऊपर की तरफ जाएं। और यहाँ पर मैं वुडन कॉम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी वुडन कॉम का इस्तेमाल करा करिए। तो दोस्तों अभी देखो मैंने बस अपने बालों में शैम्पू कंडीशनर और सीरम लगाया और हमारे बालों का तो हुलिया ही चेंज हो गया। इतना अच्छा वॉल्यूम लग रहा था बालों में, इतना अच्छा सिल्की स्मूथ और शाइनी लग रहा था, इतना अच्छा स्मेल कर रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और ये रूटीन मैंने काफ़ी टाइम बाद फॉलो किया, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रूटीन शेयर किया जाए, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बट महीने में एक बार तो आपको ये पूरा रूटीन फॉलो करना ही चाहिए। हिना पैक नहीं लगाते हैं आप, कोई भी हेयर मास्क तो लगाइए, लेकिन मैं हिना पैक लगाती हूँ तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके साथ ही शैम्पू कंडीशनर और सीरम लगाना तो मस्ट है, वुडन का कॉम इस्तेमाल करिए, एक्सरसाइज जो मैंने बताया है वो करिए,
और आपको हर हफ्ते अपने बालों में ऑयलिंग करनी ही करनी है, अपनी स्कैल्प को सूखा नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों और बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए मेरा इतना सा हेयर फॉल हुआ है सेकेंड रूटीन फॉलो करने में, शैम्पू के बाद जो मैंने रूटीन फॉलो किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।